Good morning, students. Last time we had understood the chapter, and along with that I had also explained you the objectives which were in the chapter. So now today we are going to understand some more objectives and few question answers. Exercise A. Tick write the correct answers. The MCQs hai. First, force can change the blanks of a moving object. Force hai wo मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका ब्लैंक्स चेंज कर सकता है. क्या चेंज कर सकता है? कलर, डिरेक्शन की ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स स्मेल. तो आंसर है डिरेक्शन, मीन्स वो जिस डिरेक्शन में जा रहा है उससे डिफरेंट डिरेक्शन में उसको हम भेज सकते हैं. सेकेंड, अ बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बॉटल ओपनर कौन सा मशीन है? लीवर. थर्ड, इट लुक्स लाइक अ नेल विथ ग्रूव्स. इट इज अ जो जैसे किल होती है, खिली होती है, उस पर ग्रूव्स लगे हो ऐसा लगता है, वो क्या है? स्क्रू. फोर, विच मशीन कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल सिंपल मशीन्स. बहुत सी सिंपल मशीन्स को छोड़ के जो मशीन बनाई जाती है, ये जो ऑप्शंस है उसमें से वो वाले मशीन कौन सी हैं? नाइफ, सॉइंग मशीन के फॉर्सेप्स. तो आंसर है सॉइंग मशीन. फाइव, अ सीसो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सीसो कौन से क्लास का लीवर है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड. तो जो अर्थ है, जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी. सेकेंड, फ्रिक्शन मेक्स इट ब्लैंक्स टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस द फ्लोर. फ्रिक्शन की वजह से जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फ्लोर पे हमें दूसरे साइड पे ले जाना हो तो वो ईजी होता है कि डिफ़िकल्ट? आंसर है डिफ़िकल्ट. थर्ड, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर. सीजर्स है, पेयर ऑफ सीजर्स वो फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है. फोर, अ ब्लैंक्स इज यूज टू स्प्लिट और कट वुड. वुड को कट या स्प्लिट करने के लिए क्या यूज़ होता है? वेज. फाइव, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजिशन पे ही है तो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वही ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. Six, a simple machine that has a sloping surface is called a or an. जिसका सरफेस स्लोपिंग है, ढलान वाला है, उसको क्या कहेंगे? Incline, plane. Match the following. First, second class lever कौन सा है? Option C, nutcracker. Wheel and axle है वो कौन सा है? Car steering. वेज में आता है ब्लेड, नाइफ, ये सब. तो आंसर है ए, ब्लेड. फोर, स्क्रू. तो क्या आएगा? स्क्रू जैक. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, नेम द फोर्स दैट हेल्प अस टू वॉक. हमें वॉक करने में कौन सा फोर्स हेल्प करता है? आंसर, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स अस टू वॉक. हमें फ्रिक्शन फोर्स वॉक करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर टू, नेम अ डिवाइस दैट यूजेस सोलार एनर्जी. जो भी डिवाइस सोलार एनर्जी यूज़ करता है, ऐसे किसी एक डिवाइस का नेम हमें लिखना है. आंसर, सोलार कुकर यूजेस सोलार एनर्जी. सोलार कुकर है वो सोलार एनर्जी यूज़ करता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम एनी टू थर्ड क्लास लीवर्स. हमें थर्ड क्लास लीवर है उसके कोई भी टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं. तो नाइफ एंड आइस टोंग्स आर थर्ड क्लास लीवर्स. नाइफ और आइस टोंग्स क्या है? वो दोनों ही थर्ड क्लास लीवर है. क्वेश्चन नंबर फोर, नेम अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है, ऐसे मशीन का नेम लिखना है. आंसर, टेलीविजन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टेलीविजन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है. क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम एनी टू कंपाउंड मशीन्स. कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मशीन है वो कोई भी दो हमें लिखने हैं. तो आंसर, कार्स एंड एरोप्लेन्स आर टू कंपाउंड मशीन्स. कार और एरोप्लेन दोनों क्या है? कंपाउंड मशीन्स. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स?
गिव एन एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और हमें एक एग्जाम्पल भी देना है. आंसर, द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पे अपना फोर्स लगाता है, मीन्स उसको खींचता है या पुश करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट है वो सिर्फ पुल करता है, खींचता है, ऐसा ही नहीं है. अगर दो मैग्नेट है, मैग्नेट पे भी, एक जो मैग्नेट होता है उसके ऊपर भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है उसका. तो अगर मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है दूसरे मैग्नेट के भी नॉर्थ वाले पार्ट के पास आता है, तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नेल्स. जब भी हम मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास ले जाते हैं तो मैग्नेट है वो नेल्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है. तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो समझाना है और उसका एक डिसएडवांटेज भी बताना है. डिसएडवांटेज मीन्स उसका उससे जो हमें नुकसान होता है वो. आंसर, अ फोर्स दैट स्लोस डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जो ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का मूवमेंट है वो किसी भी सरफेस पे स्लो कर देता है, तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट प्रोड्यूसेस हीट दैट डैमेजेस द मशीन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट है वो मशीन को डैमेज करती, मीन्स नुकसान करती है. क्वेश्चन नंबर थ्री, निकिता सीज एन ओल्ड वुमन ट्राइंग टू ड्रॉ अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल. निकिता है वो देखती है कि एक ओल्ड वुमन है, वो वेल मीन्स कुएं से वाटर का एक बकेट, एक बाल्टी पानी का, ड्रॉ मीन्स निकाल रही है, खींच रही है. ऑल्दो शी इज़ गेटिंग लेट फॉर हर स्कूल, शी हेल्प्स हर इन ड्रॉइंग द वाटर आउट. निकिता को स्कूल जाने में लेट हो रहा है तो भी वो उस ओल्ड वुमन को हेल्प करती है. क्वेश्चन ए, विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज द रॉप एंड व्हील ऑफ द वेल. तो जो रॉप लगा होता है वेल में व्हील के साथ, तो वो कौन से टाइप का मशीन है. आंसर, पुली. बी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम निकिता. निकिता से क्या सीखने को मिलता है. हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर फॉर अदर्स. हमें दूसरों के लिए हेल्पिंग और केयरिंग नेचर रखना चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड the objectives and question answers that I explained. Thank you.